Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम biology class 12 का chapter number 8 that is human health and diseases of unit 8 biology in human welfare पढ़ेंगे. शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से happy Diwali. Enjoy your day with the biology class. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. आज हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को पढ़ेंगे. पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था इम्यूनिटी क्या होती है, कि जो ओवरऑल एबिलिटी होती है हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम में टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन, उसे कहते हैं हम इम्यूनिटी. ठीक है, और हमने कुछ और इम्यूनिटी पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें हमने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी थी. एक्वायर्ड को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन्स, जब किसी होस्ट को, होस्ट यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम एक्सपोज करते हैं एंटीजन्स की तरफ, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स या फिर कोई अदर प्रोटीन्स भी हो सकता है. जो एंटीजन्स है वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड माइक्रोब्स भी हो सकते हैं या फिर कोई प्रोटीन भी हो सकता है. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी. तो क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लग जाती है होस्ट बॉडीज में. ठीक है, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म बीमार होता है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कुछ इस तरह की इम्यूनिटी होती है जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो मेमोरी के बेस पर काम करते हैं. उन्हें एक बार ही रिकॉग्नाइज हो जाता है, याद रह जाता है कि पहले कौन सा पैथोजन आया था हमारे पास, और दूसरी बार अगर सेम पैथोजन आता है तो उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो उससे फाइट कर सकते हैं. राइट, यहीं पर वो बता रहे हैं कि अगर कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ जाता है किसी भी लिविंग या फिर डेड या किसी प्रोटीन के जरिए, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है अपने आप से होस्ट बॉडी में. इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, जो उस समय उसे तुरंत पहचान ले और एक्टिवली एक्ट करे. ठीक है, इसलिए इसे कहा गया एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, थोड़ा स्लो होती है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और ये टाइम लेती है पूरा अपने पूरे इफेक्टिव रिस्पॉन्स करने के लिए. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity. क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म बीमार होता है, ठीक है, तो उसे इम्यूनाइज करा जाता है, यानी कि उसको इंजेक्शन दिया जाता है. ठीक है, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिब्रेटली, इससे क्या होता है, पूरी जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना वो इंड्यूज हो जाती है, नेचुरल इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो उससे. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, जब ready-made antibodies दी जाती है directly body को protect करने के लिए foreign agents से यानी कि pathogen से, उसे हम कहते हैं passive immunity. एक बार फिर समझते हैं passive immunity क्या होते हैं. हमारे पास जब हम बीमार हो जाते हैं और हमें कोई इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है या हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो वो चीजों से जो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है, जो फाइट करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, उस तरह की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. ये खुद से नहीं बनती है, ये तब बनती है जब कोई हमें इंजेक्शन देते हैं, कोई दवाई देते हैं तब. ठीक है, कोलोस्ट्रम की बात करें स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट. क्या आपको ये पता है कि जो मदर्स मिल्क है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एक बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए? अगर आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, इट इज फॉर रिविजन हो जाएगी आपकी. और जिन बच्चों को ये नहीं पता तो वो यहाँ वीडियो को एंड तक देखे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये सब के बारे में. द येलोइश फ्लूड कोलोस्ट्रम, जो एक येलोइश फ्लूड निकलता है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, वो मदर्स के द्वारा सिक्रेटेड होता है ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, शुरू के दिनों में, ताकि वो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है IgA. ठीक है, हमने कुछ एंटीबॉडीज के नाम पढ़ते हैं IgA, IgG, तो इसी तरह से उसमें क्या प्रेजेंट होता है, IgA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. कौन? कोलोस्ट्रम. इट इज द येलोइश कलर मिल्क होता है जो इनिशियली मदर्स देती है इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में. ठीक है, इनमें एक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है IgA. ठीक है, द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज, तो इस तरह से जो फीटस है वो भी रिसीव करते कुछ एंटीबॉडीज अपनी मदर से जब वो मदर वॉर्म में होता है, थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा से जो फीटस है कुछ एंटीबॉडीज रिसीव करता है मदर से. देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स है पैसिव इम्यूनिटी के. ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, हमें जो
एक तो कोलेस्ट्रॉम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ, और ये प्रेगनेंसी के समय जो एंटीबॉडीज मदर से मिलती है एक बच्चे को, फीटस को, वो, और कोलेस्ट्रॉम में क्या कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, IgA, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की बात करें स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल होता है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का, वो बेस्ड होता है एक प्रॉपर्टी पर जिसे मेमोरी कहते हैं। इम्यून सिस्टम की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि जब भी हम इसमें कोई इंजेक्शन डालते हैं या कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन अटैक करते हैं हमारी बॉडी पर, तो ये पहली बार में बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। हालांकि ये इतनी फास्ट नहीं होती, स्लो प्रोसेस, अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने के लिए स्लो होती है, बट एक बार ये पहचान ले तो दूसरी बार से हमें वो इंफेक्शन नहीं होता। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन या फिर कोई इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को डाला जाता है बॉडी पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगला आप यहाँ देखो, ये आप ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या आपकी बॉडी में कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स डाले गए हैं, ठीक है, डाले गए हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पर, पहले से डाले गए। तो जब आपको एक्चुअल में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स आपकी बॉडी में डाले गए हैं, ये सारे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं बॉडी के लिए। एक सिंपल सी भाषा में से हमें, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस जो होती है बॉडी में वो अगेंस्ट होते हैं इन एंटीजेंस के, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं पैथोजेनिक इफेक्ट को। यानी कि आपके सामने कोई भी अगर बाद में कोई इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तो क्या करते हैं, जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स पहले से बॉडी में डले हुए हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फाइट करने में अगेंस्ट दिस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। द वैक्सीन्स ऑल्सो जेनरेट मेमोरी, तो वैक्सीन इस तरह से मेमोरीज को जेनरेट करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बी एंड टी सेल्स को, जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन पैथोजेंस को क्विकली, ठीक है। जैसे ये पैथोजन एंटर करते हैं बॉडी में, ये फटाफट से उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड ओवरवेम द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और इनको क्या करते हैं, इनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है उस समय उससे। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, तो इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस। कई बार क्या होता है, अगर पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है एक डेडली माइक्रोब से, ठीक है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं ना जैसे वायरसेस जो बॉडी में एंटर करके ही लिविंग होते हैं, वैसे तो वो डेडली होते हैं, या उन ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है, ठीक है, तो क्या होता है, हमें क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स देना पड़ता है। जैसे कि इन केस ऑफ टेटनस की बात कर रहे हैं, वो हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि एंटीबॉडीज जो अभी तक जागी नहीं हुई है उनको जगाए हम, ठीक है, ताकि वो उनसे फाइट कर सके। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स, जब सांप काट जाता है हमें, तो जो इंजेक्शन होते हैं, जो पेशेंट को दिए जाते हैं इंजेक्शन, वो क्या करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज को परफॉर्म करते हैं जो स्नेक विनोम के अगेंस्ट काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें कोई इंफेक्शन हो जाता है उसके बाद जब हमें इंजेक्शन या कोई दवाई दी जाती है और वो परफॉर्म करते हैं एंटीबॉडीज, मतलब ठीक करने में, जो हो गया स्नेक बाइट से वो तो होना ही था, लेकिन उसके बाद जब हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, उस तरह के इम्यूनाइजेशन को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने अलाउ किया है बहुत सारे एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स और पैथोजेंस बैक्टीरिया और यीस्ट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसने इन सब बीमारियों से हमें बचाने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोड्यूस कर दिया है अगेंस्ट पैथोजन। वैक्सीन्स प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। तो इस तरह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है इनकी, बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है और ग्रेटर अवेलेबिलिटी हो जाती है इम्यूनाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस हुई है यीस्ट से। तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम वैक्सीन बनाते हैं और इन्हीं के अगेंस्ट हम काम करवाते हैं। एलर्जी की बात करें, तो जो एग्जैग्रेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का कुछ एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं उसके प्रति एनवायरमेंट में, उसे एलर्जी कहते हैं। अब एलर्जी के कहते हैं, आप सभी को पता होगा, हमें कई बार हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है, हमें वहां का पानी, वहां की हवा सूट नहीं करती है, या कई बार हम किसी गलत चीज का, कोई चीज हमारी बॉडी पर सूट नहीं करती है जिससे हमें एलर्जी होती है। तो ये जो एग्जैग्रेटेड रिस्पॉन्स होता है ना इम्यून सिस्टम का, कि वो चीज हमारी बॉडी पर सूट नहीं करी है, ठीक है, तो एंटीजन्स जो प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है जितनी भी चीजें, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं।
ठीक है, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कफिंग हो जाना, मुंह पे दाने आ जाना, ठीक है, इसी तरह से स्नीजिंग होना, तो ये सारे कुछ एलर्जीज के सिम्टम्स है। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कोल्ड एलर्जेंस। तो जो भी, जैसे पानी सूटने के, हवा सूटने के, ये क्रीम सूटने की फेस पर, ऐसी कुछ चीजें जो होती है ना, उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दिस आर ऑफ IgE टाइप। अभी हमने पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी होती है, IgA, और जो इस तरह के एलर्जी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द IgE। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एंड NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs में बहुत आते हैं। कॉमन एग्जाम्पल क्या है एलर्जेंस के, डस्ट हो सकती है, ठीक है, किसी को डस्ट से बहुत प्रॉब्लम होती है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, पोलेंस, पोलेंस यानी कि पोलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर यानी कि एनिमल के जो बाल वगैरह झड़ते हैं या फिर उनपे जो छोटे छोटे कीड़े मौजूद होते हैं, उनसे भी काफी लोगों को एलर्जी होती है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के, स्नीजिंग जो मैंने आपको बताया ही था, वॉटरी आईज, पानी, आंखों में पानी आने लग जाता है, रनिंग नोज, हमें कफ हो सकता है, फीवर, कोल्ड हो सकता है, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जिन्हें हवा सूखनी करती है किसी जगह की। एलर्जीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि कई बार वो किसी केमिकल्स के रिलीज होने से भी होती है, जैसे हिस्टेमाइन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। मास्ट सेल से हिस्टेमाइन और सीरोटोनिन जैसे जो केमिकल्स है, उनकी वजह से भी कई बार एलर्जी हो जाती है। तो ये एलर्जी वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो, या अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो तो आप फीडबैक दे सकते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।